ब्रदर आप बताएं नाम क्या है आपका, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झारखंड के। झारखंड के जी। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। ये साथ में आपके वाइफ हैं, इनके पत्नी इनके साथ में आए। पिछले 8 साल से इस भाई को हार्ट का रोग था, दिल की बीमारी थी। बहन आप बताएं कि आपने तो अपने पति को देखा होगा इस बीमारी में, कैसे ये रोग शुरू हुआ था इनके जीवन में? ये शुरू हुआ था सर, इतना 8 साल से बीमारी हुआ है हार्ट के, तो डॉक्टर फिर लेके गए। फर्स्ट बार 1 महीना तक भर्ती रहे, पूरा 1 महीना तक भर्ती रहे, तो फिर डॉक्टर ना छुट्टी दे दिया, घर में वापस ले आए, घर में वापस लाए, तो फिर 1 महीना जैसा रहे, फिर बीमारी उसी तरह उपट गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो 1 हफ्ता फिर रखे हॉस्पिटल में, तो फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मेरा दे दिया, तो फिर वापस आए घर में आए, फिर 15 दिन रहे, फिर उसी तरह होने लगे, तो फिर हॉस्पिटल पहुँचाए। इनको होता क्या था उस समय? धड़कन बढ़ जाता था, मतलब सांस रुक जाते थे, पूरे जैसा सांस, पूरी तरह सांस रुक जाते थे। डॉक्टर डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है इस चीज का? हार्ट खराब है, पूरी हार्ट खराब है। तो डॉक्टर ना, हम हॉस्पिटल में 200 को बदल चुके हैं 8 साल में सर, 200 को डॉक्टर मतलब बदल चुके हैं। 20 डॉक्टर आप चेंज कर चुके थे? हाँ, चेंज कर दिए हैं, 20 डॉक्टर मतलब चेंज कर दिए हैं अभी तक 8 साल से। और डॉक्टर ने बोला था कि इनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक हो चुका है, पूरी तरह से एकदम खराब हो गया है। और जो मशीन इनके हाथ में है, ये कैसे इस्तेमाल करते थे, क्यों, किस चीज के लिए यूज करते थे इसको? ये बोला डॉक्टर की अति करो, ऐसे कैसे लगाते थे इसको? ऐसे करो, मतलब सांस दवा खरीद के दिया मेरा, हम खरीदे ये वाला, बाहर से खरीदते थे सर। अब इसको एक फोड़ के इसमें डालते थे, इसमें डाल के ऐसी करते थे, ऐसी लगाते थे, और फिर ये कोट को होल्डर में, मतलब बोर्ड रहता है उसमें खोसते थे इसको। बिजली से चलता था ये? हाँ, बिजली लाइन से चलता है सर। तो इसको खोसते थे तो मशीन खड़खड़ खड़खड़ अंदर सांस के द्वारा ही जाता था, तो कुछ राहत रहता था, कुछ पल भर के लिए राहत रहता था। और कितने मिनट तक लगातार लगा के रखते थे ये? 10-10 मिनट में लगाने पड़ता था सर, 10-10 मिनट में लगाने पड़ता था सर। जब शुरू होता था तेज सांस आने लगा, तेज मैंने पूरा धड़कन बढ़ जाता था, तो लगाने पड़ता था। अब ठीक रहते थे तो नहीं लगाने पड़ता था। बोलो एक दिन में कितनी बार लगाते थे ये? 5-6 बार लगाते थे सर, तनी सुन के लिए, पल भर के लिए राहत रहता था, फिर उसी तरह हो जाते थे। और इनके इलाज जो एक कैप्सूल इनके हाथ में पकड़े, इसको मशीन में डाल के इसको इस्तेमाल करते थे, फिर काम पे ये जा नहीं पाते थे, घर का खर्चा कहाँ से होता था, कौन संभालता था घर के खर्चा? चल मेरा इनको बेटा है, मेरे बड़ी बेटा है, वही मेरा कमा को सब खिलाता था, राजमिस्त्री वो काम करता है, तो वही मेरे कमा के खिलाता था मेरे बाल बच्चे को। वही, क्योंकि आप भी ये, आप इनके साथ रहते थे और ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ, बेड के ऊपर पूरी तरह से 8 साल से पूरी बेड़े पर हैं सर, मगर मेरा बेटा था इनको, तो वही मेरे बेटे हैं, वही हम लोग के खिलाता था, खाना दाना कपड़े लाता सब चीज हम लोग को वही पुराता था सर। वो नहीं रहता ना तो हमको क्या हाल रहता था, तो मेरा खुदे जानते। मतलब लाखों रुपए इलाज के ऊपर इनके खर्च हो चुका था। 4 लाख रुपया खर्चा कर दिए सर, फिर भी कोई इसमें अच्छा भी नहीं हुए, कोई अच्छा नहीं हुए सर। 8 साल से तुम 4 लाख रुपया लगा चुके हैं और इतना इलाज करवाया, 20 डॉक्टर यानी 20 हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च करके देख लिया, लेकिन जो हार्ट का रोग था वो खत्म नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। इनकी जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये पंप मशीन जो इनके हाथ में है, ये बहुत ही बड़ी मशीन है, इसको हमेशा यूज करते थे। और जब ये ठीक नहीं हो रहे थे, फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में पता कैसे चला था? खामरा चर्च के बादल में मेरे गांव के एगो भैया आए थे, उसको बज्जू नाम है, वही आए थे, तो बोले कि सगरे हम लोग थक गए भैया, दवा हुआ करवा उड़वा के। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मर गया से मतलब मर जाएगा, तो इसको पैसे का है खर्चा कर रहा है, घर में ले जाओ वापस कर लो। फिर घर में हम ले आए, तो मेरे गोतनी को बेटा बोला कि यीशु मसीह बहुत कोई के जिलाते हैं, मुर्दों को सांस देते हैं, से एक बार यीशु मसीह में चल जा, इसके बाद तुम कहीं पर भी मत जाना, यीशु मसीह में चल जाओ। तो प्रार्थना मेरे गोतनी को बेटा यही भाई बज्जू भैया से प्रार्थना करवा दिया। मर गए थे भैया उस दिन, पूरे मरिए गए थे उस दिन, थोड़ा सा सांस भी नहीं चल रहा था। तो हम लोग बहुत रो रहे थे, बहुत पटका रहे थे, अभी बेटा नहीं रो रहा था, बेटा इसके साथ में थे, हम रो रहे थे, मेरे घर वालों भी रो रहा था। तो मर चुके तो प्रार्थना किए, तो दम सुखबू गाने लगे, सुखबू करने लगे, तो हम लोग कहे कि अब जी जाएगा उसी, तो थोड़ा बुकबू जुकबू अति करने हिलाने लगे हाथ पैर,
फिर हॉस्पिटल ले गए तो कुछ राहत हुआ भैया, फिर ऐसे हॉस्पिटलों में मर चुके, दोबारा भी मर चुके थे। तो फिर प्रार्थना करे कामड़े चर्च को बारे में वो नंबर दिए, तो ऑनलाइन से प्रार्थना दीदी लोग करते थे, तो ऑनलाइन से देखते मेरे 4 महीना हो चुका है अभी यहाँ अले, मेरा पिछली महीना में 7 तारीख को यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अपनी आदमी को छोड़ के मैं अपनी घर चल गए थे, पैसा कुछ दिक्कत हो गया तो हम घर अपने आदमी को छोड़ के चल गए थे। तो हम सोचे कि बड़ी मीटिंग 13 तारीख को है, तो मैं 11 को गाड़ी पकड़े, ट्रेन 11 को पकड़े, तो आज 13 को हम पहुँचे हैं, आज 11-12 बजे के लपेट में। गवाही देने के चलते हम झारखंड रांची से आए हैं, तो मैं गवाही दे रहे हैं कि मेरा पति जिंदा हो गया, पूरी तरह से जिंदा हो गया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, 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 जय मसीह की। ये आज स्पेशल झारखंड से रांची से यहाँ गवाही देने आए हैं। 8 साल हो चुके थे इस रोग के कारण, और डॉक्टर ने बता दिया था कि इनकी सांस बंद हो चुकी है, ये डेड हो चुके हैं, मर गए। बोले कि मर गया, हार्ट खराब हो गया, तुम पैसा काहे खर्चा कर रहे हैं, तुम घर में आपस ले जाओ। तो हम लोग तो पूरी रोए रहे थे, मगर एगो कामड़े चर्च के मेरे गांव के भैया आए थे बज्जू, वही नाम बताए, तो हम आए कामड़ा चर्च में। भैया झारखंड रांची से आए, हम लोग को 3 दिन सफर लगता है ट्रेन से आने में, आज हम अकेले आए हैं, इतनी बड़ी बच्चा को लेके आए, 3 दिन में ट्रेन से आए वापस। तारीफ करें, गवाही देने के चलते भाई हम आए थे कि गवाही दे के मैं जाऊंगा, मेरा पति जिंदा हो गया, इसलिए आ गए। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सबसे उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जो मृतों को जीवित करता है। और 8 जून पिछले महीने 8 जून 2023 को ये पहली बार जब चर्च में आए थे, तो इनको जब चर्च में लाया गया था, आपको व्हीलचेयर के ऊपर लाया गया था। हाँ जी जी, व्हीलचेयर के ऊपर इनको यहाँ पे चर्च में लाया गया। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सारी बीमारियां, सारे रोग आउट 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 आउट, तुम फ्री हो यीशु के नाम में। मैंने कहा तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद क्या हुआ आपके पति को? उसके बाद इन्हीं से पूछे ना, बोले कि बहुत तरह से अच्छा लगा, अच्छा मेरा होगा। बहुत अच्छा तरह से एकदम बढ़िया लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तब इनको कहे कि आइए हमको ले चलिए घर। और इस व्हीलचेयर का उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया आपने? व्हीलचेयर छोड़ दिया। आप चल के देखे जरा, चलिए चलिए चलिए, ये तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज़ में उछल उछल के थैंक यू जीसस, और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। ये जीवित गवाही आपके सामने खड़ी है कि परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको चंगा किया, आज जीवित है और आपके सामने खड़े हैं। एक बार जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हालेलुया। और आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है ये भाई को ठीक हुए, उसके बाद एक भी बार इन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही है। और कोई इस मशीन का उन्होंने एक भी बार, चार महीना से दावा को छोड़ दिए हैं, पूरी तरह दावा को 4 महीना से छोड़ दिए हैं। ये दावा चलते रहता था, दिन भर में 6-7 बार लगाते थे, ये दावा एक बार भी नहीं लगा रहे हैं, 4 महीने से पूरी तरह ही दावा को छोड़ दिए। सब सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के लिए। बड़ी गवाही के लिए, बड़ी चंगाई के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब सब परमेश्वर की तारीफ करें।